can I fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबको जिसको जो देखते हैं उनको पता है, एज़ यूजुअल मैं नहीं पीती हूँ, मैं कोई हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मिल्क शेक पी रही हूँ। और यह आजकल मैंगोज इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं कि कोई डार्क कलर वाला मिल्क शेक बने, लेकिन फिर भी मुझे मैंगो मिल्क शेक बहुत पसंद है, मैं वो पी लेती हूँ। और फिर यहाँ पर ये मैं आप लोगों को राइस दिखा रही थी, फिर मैंने सोक करके रख दिए थे ओवरनाइट के लिए। फिर इसका पानी मैंने लगाया था आधे घंटे के लिए अपने हेयर्स पर, और फिर नॉर्मल कोई माइल्ड शैम्पू से आप लोग वॉश कर लें तो इससे बहुत स्मूथ और सिल्की हेयर्स हो जाते हैं। तो ये एक रेमेडी है, इसके साथ साथ मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये छोटी सी मज़ेदार सी रेमेडी। और फिर यहाँ पर ये है दोपहर का क्लिप, और दोपहर में बने थे यहाँ पर पुलाव, और ये है बीफ पुलाव। तो हमारे यहाँ पुलाव आजकल कुछ इस तरीके का बन रहा है कि ऐसा लगता है बिरयानी है, लेकिन नहीं, ये बिरयानी नहीं है, पुलाव है। और बहुत बेस्ट पुलाव होता है ये, इसमें हल्दी का कलर आता है। तो जो मेरे व्लॉग्स पूरे वॉच करते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि वो लोग देखते होंगे कि इनके इसी तरीके का पुलाव बनता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर आजकल बन रहा है और सबको बहुत पसंद आ रहा है। और यहाँ पर यह है बीफ का बना था, तो मैं बोटी आप लोग को तोड़ के दिखाई थी कितनी सॉफ्ट है, और बहुत अच्छा बीफ भी बहुत अच्छा था। तो ये बहुत मज़े से टूट रही थी, और यहाँ पर इसको देखे मुझे मेरे मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पुलाव वगैरह इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर फिर यह है रात का क्लिप, और यह है सैलेड, और इसके साथ जो बना था मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। पहले आप सैलेड का देख लें। और यहाँ पर मैंने एक अलग सी बनाने की कोशिश की है, तो वीडियो और ये देख लें आप लोग। और फिर ये है टिंडे गोश्त, तो टिंडे गोश्त बना था उससे सैलेड काट ली थी। तो ये इस तरीके से रात का खाना हो गया था। ये भी बीफ में बना था और बहुत मज़े का बना था ये भी। और इसके अंदर हम लोग ना कुछ सालन में ऊपर से भगार भी लगाते हैं, मतलब प्याज तली हुई डालते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हर किसी का अपना स्टाइल है, अपना तरीका है। तो यहाँ पर आप लोग देख लोगे हरी मिर्चें, हाँ तो मुझे बहुत पसंद है ग्रीन चिलीज़, तो इसलिए मैं इसके साथ ये खा रही थी। और यहाँ पर सब खानी चाहिए, सारी सब्ज़ी खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। मैं सिर्फ शलजम नहीं खाती हूँ, बाकी तो सब कोशिश करती हूँ कि खाऊँ मैं। और यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में वही एज़ यूजुअल मैं कुछ खाती नहीं हूँ ब्रेकफास्ट में, सिर्फ फ्रूट्स और शेक पीती हूँ। तो यहाँ पर ये है बनाना और मैंगो, और इसकी मैंने चार टैप बना ली थी और ये खा ली थी। तो ये जो नाश्ता होता है मुझे, मैं जब से खा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि कोई हैवी चीज़ नहीं है इसमें और हल्का सा फिर खा लिया जाता है। और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं दोपहर का वक्त है, और दोपहर में बनी थी दाल, क्योंकि हैवी हैवी खा कर ना फिर हल्की चीज़ का दिल चाहता है। दाल है, और ये तुरई की भुजी है, और प्याज जो कि कंपलसरी हो गई है हमारी, और ये हमेशा होती है। और दाल भी बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये मैं आप लोग को दिखा रही थी, ये क्लिप है। और हम लोग फिर खाना वाना खाकर चले गए थे शॉपिंग करने। तो यहाँ पर ये मैं एक शॉप पर आई थी, तो मैंने सोचा आप लोग के लिए इसको शेयर कर दूँ। और ये कुछ इस तरह की, और यहाँ पर कुर्तियाँ थी, ये है कट पीस की शॉप, जो कट पीस होती है ना, जहाँ पे मतलब कट पीस मिलते हैं, और इस तरह की ये शॉप है। और ये देखें आप लोग, कट पीस भी पड़े हुए हैं, तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ रेट्स की थी। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए थोड़ी सी, आज मैंने हिम्मत करी ली कि आप लोग के लिए वीडियो बना लूँ, वरना मैं बाहर जाती हूँ तो मैं थोड़ा शाय हूँ, तो मैं इतनी वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मैंने सोचा आज आप लोग के लिए बना ही लूँ। तो यहाँ पर इन लोग बच्चों की भी हैं, और यहाँ पर ये है बड़ों की, तो मुख्तलिफ रेट्स हैं, कुछ 800 की, कुछ 700 की, कुछ 1500 की, 500 की। तो ये वाली जो आप लोग देख रहे हैं ये है 1200 वाली, और इसके साथ ये वाली जो आप आके देख रहे हैं ये 500 की है। तो कितनी प्यारी लग रही है ना, ये बहुत रीज़नेबल रेट की हैं। और ये है ये जो शॉपकीपर हैं वो दिखा रहे थे सब, तो ये कुछ इस तरह की हैं। और ये आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, ये भी 1700 इस तरह की रेंज में, सारे इनके पास इसी तरह की रेंज में हैं। तो ये वाली भी 1200 की है, और क्योंकि जिसमें डिज़ाइनिंग ज़्यादा है वो महंगी होती है, 1400 की है। और इस तरह से हैं, और बच्चों की हैं ये, कुछ 400 की हैं, कुछ 600 की हैं, और इस तरह से ये आप लोग देख लें, प्रिंट चेक कर लें, इस तरह के मैं हैं इन लोग के पास। और कट पीस जो नॉर्मल कट पीस बने हुए हैं आजकल हर जगह ही खुले हुए होते हैं, तो वहीं की है ये, और ये आप लोग देख लें। और इसके साथ मैंने जितना शूट कर सकी मैंने बोला आप लोग के लिए क्लिप बना लूँ। और ये है, ये 2400 का टू पीस था, जो आजकल कॉर्ड्स चल रहे हैं वो हैं ये। और
फिर इनके पास अनस्टिच भी हैं, वो मैंने दिखाई नहीं इतने, जो मैंने खुद देख ली थी मैंने बोला खुलवा के दिखाऊं किसी की मेहनत वो हो, तो जो मैंने खुद मैंने दो कुर्तियां बाय की हैं यहाँ से, तो मैंने आप लोग को अभी नहीं दिखाई वीडियो में, लेकिन ये है, ये देख रहे हैं आप लोग ये सब। और मुख्तलिफ मुख्तलिफ रेट्स हैं, ये 1200 वाली हैं, कुछ इसमें 700 वाली हैं, कुछ 800 वाली हैं, और इस तरह की हैं ये सारी। तो यहाँ पर ही मुझसे निकल गई थी एक, और इसको मैंने रख दिया था कि वो लगा दें, और इसी तरीके से होता है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, और पूरा व्लॉग देखा करें, इससे मोटिवेशन मिलती है, और मैं आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।